बिश्नोई वो शेर है जो जेल के अंदर से दहाड़ रहा है, और कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है वो पैंट में सुसु कर रहा है। सलमान खान अपने पैंट में मूत रहा है लॉरेन बिश्नोई के नाम से। दुबई से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाया है 2 करोड़ रुपया का। डर तो है। पप्पू यादव छोकरी की तरह रो रहा था, ए कर करके एकदम लौंडिया की तरह रो रहा था। पप्पू यादव को चूड़ी पहन लेना चाहिए। अब चूड़ी भी भिजवा दूंगी और मेहंदी भी भिजवा दूंगी। बोलेगा तो अभी जयपुर से आई हूं मैं, एक चुंदरी दुपट्टा भी भिजवा दूंगी, पहनकर बैठ। लॉरेन बिश्नोई ने जो शुरुआत की है बहुत अच्छा किया है। ये जितने बॉलीवुड के टीवी एक्टर एक्ट्रेस है इनका सबका पर्दाफाश होगा। फुलझड़ी और चरखी से बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन अजमल कसब के AK-47 से दिक्कत नहीं होता है, याकूब मेमन के 13 बॉम्ब ब्लास्टर से दिक्कत नहीं होता है। तो ये जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये इन्होंने क्या किया है मुसलमानों के लिए या मुसलमान समाज के लिए क्या किया है? अरे आमिर खान तो बैठ करके अपनी हिंदू बीवी के साथ बोलते हैं हम भारत में सुरक्षित नहीं है। अब आप बताइए, पाकिस्तान में बैठा हुआ दाऊद इब्राहिम को अगर बिश्नोई टारगेट कर रहा है तो मैं तो कह रही हूं अभी मार दो जाकर के लॉरेन, अभी मारो जाकर के। अगर लॉरेन बिश्नोई पन्नू को टारगेट कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है भाई? नेहरू ने टुकड़ा किया, फिर से खालिस्तान बनवाना है क्या भारत में? आपको अच्छा लगेगा कि पश्चिम बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, केरला जो है वो इस्लामिक राज बन जाएगा और पंजाब खालिस्तान बन जाएगा, ये आपको अच्छा लगेगा क्या? आतंकवादियों को, जहादियों को, टेररिस्ट को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट को पालने पोसने वाले को अगर लॉरेन बिश्नोई मार रहा है तो बुरा क्या है इसमें? देखिए पप्पू यादव को तो बीच में टपकने की जरूरत ही नहीं है। इतना भारी बदन ले करके रो रो करके इलेक्शन जीतता है, धमका धमका करके इलेक्शन जीतता है, और एक गुंडा दूसरे गैंगस्टर पर उंगली उठा रहा है। बिहारी में एक कहावत है, चलनी दूसरे बधना। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव तो खुद ही गुंडा, और बोल किसको रहा है? लॉरेन बिश्नोई गैंगस्टर को। तो ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हुई। रोकर इलेक्शन जीतना, रोकर वाई प्लस सिक्योरिटी मांगना, और बहानाबाजी करके सलमान खान जैसे एक्टर से मिलने के लिए जाना, और फिर 360 डिग्री लेकर के यू टर्न होना, इससे ये साबित होता है कि पप्पू यादव का कोई भर्रा वर्रा है नहीं। दिखा अपना भारी बदन दिखा करके भारी भर्रा भर्रा दिखाने की कोशिश सिर्फ करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मैं पूरे प्रखर तरीके से बताना चाहती हूँ कि बिहार के किसी भी लोगों को पप्पू यादव फट्टू माल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं सलमान खान और लॉरेन बिश्नोई पर। याद होगा क्योंकि आप सनातनी हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अस्त्र और शस्त्र तब उठाना पड़ता है जब आपके धर्म पर कोई उंगली उठाए। मानवता उसको दिखाइए जो मानव है। आपके धर्म, आपके योद्धाओं को अगर कोई खत्म करने की कोशिश करे तो अस्त्र और शस्त्र दोनों का काम लेना चाहिए। हालांकि अर्जुन हमेशा मानवता पर विश्वास करते थे। लॉरेन बिश्नोई आज अगर सलमान खान को धमकी दे रहा है या उसके घर पर उसने शूट करवाया है तो सलमान खान को माफी मांगने में कौन सी नानी मर रही है और कौन सी मौत आ रही है? सलमान खान ने लॉरेन बिश्नोई के बिश्नोई समाज जिस काले हिरण को भगवान समझ करके पूजता है, सलमान खान ने उसी काले हिरण को काट करके दारू में चखना समझ करके लौंडियाबाजी करते हुए खा लिया था। अब बात यहां पर आती है कि क्या मुसलमानों ने यह ठान लिया है कि सनातन धर्म वाले जिस जिस चीजों को पूजेंगे मुसलमान उसको काटेगा? सनातन धर्म गाय को पूजते हैं, गौ माता बोलते हैं, मुसलमान काट के खा लेता है। सनातन धर्म में बिश्नोई समाज काले हिरण को पूजता है, सलमान खान उसको काट करके दारू के साथ लौंडियाबाजी करते वक्त चखना में खा लेता है। सनातन धर्म बेटियों को पूजता है, उसकी भी बोटियां करके फ्रिज में डाल दी जाती हैं या रेप करके गटर और खाई में फेंक दिया जाता है। सनातन धर्म अपने मंदिर और अपने भगवान की प्रतिमा से मोहब्बत करता है, मुसलमान समाज उसको मस्जिद बनाने की कोशिश करता है। सनातन धर्म शोभा यात्रा और रामनवमी निकालता है तो मुसलमान समाज उस पर पत्थर बरसाता है, गोलियों से सीना छलनी करता है। तो आज अगर इस युग में कोई अर्जुन वाला काम कर रहा है तो आपत्ति क्यों हो रही है? इस देश ने आतंकवादियों का समर्थन किया, इस देश के मुसलमानों ने जिहादियों का समर्थन किया, इस देश के मुसलमानों ने मुसलमान बलात्कारियों का समर्थन किया, इस देश के मुसलमानों ने अजमल कसब का समर्थन किया, अफजल गुरु का समर्थन किया, याकूब मेमन का समर्थन किया, यासीन मलिक का समर्थन किया, दाऊद इब्राहिम का समर्थन किया, हसन नसरुल्ला का समर्थन किया, लश्कर ए तैयबा का समर्थन किया, जैश ए मोहम्मद का समर्थन किया। अब लॉरेन बिश्नोई अगर एक हिंदू गैंगस्टर सामने आया है तो सबका पिछाड़ फट करके हाथ में क्यों आ रहा है? अच्छा नाजिया जी देखिए, अगर सलमान खान मारते या फिर जैसा उनके पिता कह रहे थे, सलीम खान कह रहे थे, सलीम खान जो कह रहे थे, सलमान खान छोकरी बाज मारा है, सलीम खान कह रहे कि हम लोग एक चींटी नहीं मारे, एक मच्छर नहीं मारते, तो माफी किस बात का मांगेगा हमारा बच्चा? नहीं नहीं, सलमान खान एक्चुअली में वही कहावत है ना बिहार में, छुछुंदर मार के हाथ नहीं रंगा जाता है, तो सलमान खान चींटी नहीं मारता है। सलमान खान नए युवा एक्टर एक्ट्रेस को मरवाने का साजिश जरूर कर लेता है, उनके उनके करियर को खत्म करने का साजिश जरूर कर लेता है। अब जो ये जो नवाब सिद्दीकी ना क्या है उसके ऊपर जो बाबा सिद्दीकी, ये तो मकोका केस में था, तो मानिए एक मिनट, बाबा सिद्दीकी दाऊद इब्राहिम से जुक्त था, है और रहेगा,
उसका आप क्या उसका बेटा जुक नहीं है? बिल्कुल है। बाबा सिद्दीकी कोई मुसलमान का मसीहा था क्या? बाबा सिद्दीकी ने मुसलमानों की कई झोपड़ियों को तोड़वा करके वहां पर मल्टी कॉम्प्लेक्स बनवाया है। अब और गौर की बात सुनिए, ये जो सलमान खान की चेली और दल्ली है सना खान, काहे को जाती है मुफ्ती तारिक जमील से मिलने के लिए, जो पाकिस्तान के प्रीचर है, जो 72 वर्जिन हुरों का लालच दे करके पाकिस्तान मुसलमान युवाओं को जिहादी आतंकी और अजमल कसब बनवाते हैं। क्या बात है कि अचानक से सना खान बिकिनी में उछलती कुत्ती, ब्रा और चड्डी में उछलती कुत्ती हिजाबन और जिहादन बन गई? सलमान खान की बहुत नजदीकी किसकी नजदीकी है? पाकिस्तान के जिहादी आतंकी मुफ्ती तारिक जमील की बहुत नजदीकी है। सना खान ने अपने बेटे का नाम, इकलौते बेटे का नाम जूनियर तारिक जमील रखा है। क्या हमारे भारत में कोई मुल्ला, मौलवी, खारी, मुफ्ती और हाफिज़े कुरान अच्छा नहीं है क्या? सब गंदे हैं क्या? सब अश्लील हैं क्या? सना खान अगर भारत की बेटी है, सना खान अगर भारत की सिटीजन है, सना खान अगर भारत में रह करके भारत की वफादारी करती है, तो जूनियर बुखारी रख देती है अपने बेटे का नाम, जूनियर मदनी रख देती है अपने बेटे का नाम, जूनियर रहमानी रख देती है अपने बेटे का नाम, जूनियर तारिक जमील रखने की जरूरत? अब आती है दूसरी बात, ऐसी क्या मजबूरी है जो सलमान खान उन्हीं मुसलमानों को फेवर करता है, उन्हीं मुसलमानों को स्टार बनाता है, उन्हीं मुसलमानों को सामने लाइमलाइट में लाता है जो सनातन धर्म को मलाइंग और डिफेम करते हैं? मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम और सीता मैया के ऊपर क्या अभद्र टिप्पणियां की थी, अगर हिंदू हो गए तो कलेजा जलेगा, हिंदू नहीं हो गए तो नहीं जलेगा। अच्छा नाजिया जी, इस पूरे मामले में लोगों का कहना है कि सलमान खान ने हिरन मारा, वो माफी मांगे या ना माने वो उसका मुद्दा है, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों किया गया? अगर उसका कनेक्शन अगर यदि जुड़ा हुआ था दाऊद से, तो ये बात पकड़ना और उसकी सजा देना यहाँ के पुलिस प्रशासन कोर्ट का काम है, ना कि यहाँ के गैंगस्टर का काम है। तो लोग लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन क्यों कर रहे हैं? उसके हत्या के बाद भी कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भी लॉरेंस का समर्थन कर रहे हैं, और पप्पू यादव को धमकी मिलने का भी समर्थन कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। एग्जैक्टली, मेरा भी यही सवाल है कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है, कि नुपुर शर्मा ने एक हदीस का कोट किया लेकिन मुसलमानों ने जाकर के कन्हैया का गला क्यों रेता? समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? जिस जम्मू एंड कश्मीर को कश्मीरी पंडितों ने बनाया, उनकी ही बहु बेटियों को लूट करके मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को भगाया क्यों? समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? यही तो मैं भी पूछ रही हूं। नाजिया इलाही खान ने प्रॉफिट मोहम्मद को नाउजुबिल्ला कभी बुरा ना कही है ना कहने वाली है, कट्टर मुसलमान है नाजिया इलाही खान। फिर नाजिया इलाही खान के अम्मा, अब्बा, बेटे और बहनों को गंदी गंदी गालियां मुसलमानों ने क्यों परोसी? यही तो मैं भी पूछ रही हूं कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। राम गोपाल मिश्रा ने एक हरा झंडा, जिस पर कुछ नहीं अरबी में लिखा हुआ था, उतार करके उसने भगवा झंडा लहराया, उसके सीने में 35 गोलियां दागी गई, और बगल के घर में जो गुप्ता परिवार था उसके घर में बहु बेटी और बच्चों के ऊपर तलवार निकाले गए। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ। ये तालिब, ये सरफराज, ये नासिर खान, ये मोहम्मद अवेज, ये मोहम्मद खैबर, ये इमाम रिजवान, ये रेप कर रहे हैं, समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? मदरसे के अंदर जाली नोट छप रहा है, मदरसे के अंदर आतंकी हरकतें हो रही हैं, समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? जेपीसी में वक्फ बोर्ड का